हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइफ इज़ ऑसम हाउस प्लान्स एंड सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स, सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे और इस वाले चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलते रहेंगे। जस्ट आज ही मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ जो कि 20-30 है करीब रेंट पोर्शन, इतना ब्यूटीफुल है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा और उसके साथ ही कुछ व्यूज़ भी दिखाऊंगा। लेट्स से यहाँ देखिए व्यूअर्स, लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला वीडियो 20-30 नॉर्थ फेस 2 BHK का रेंट पोर्शन वॉक थ्रू, कंप्लीट वॉक थ्रू दिखाऊंगा। करीब 11 मिनट का एक वीडियो है, थोड़ा सा अपना वक्त देखिए जो है, एक बार आप चेक कर लीजिए। एंड उसके साथ ही इस बटन को जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको इसी तरह से रियल हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड और जानकारियाँ मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो आई होप सो आप सब्सक्राइब करें होंगे। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो दिखा दूँगा मैं पूरा कम्प्लीटली, उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लीजिए, देख लीजिए। थैंक यू सो मच। ये देखिएगा 33x33 में कंसिस्ट करता है नॉर्थ फेस में जो डोर दिया गया है इस तरह का, और गांव में जैसा होता है कि दोनों तरफ से एक सेट आउट रहता है ना, उसी तरह से बनाया गया एक विलेज हाउस प्लान यहाँ टॉपिक हेडिंग में लिखा हुआ है। एंड मेरा मोबाइल नंबर 8095615113। अगर आपके पास भी कोई हाउस प्लान है, फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन या फिर बिफोर आफ्टर जो भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो भी प्लान है, आप सेंड कर दीजिए हमें। और इसी तरह से कुछ रिव्यू भी करना है तो रिव्यू भी हम करके दे देंगे इस चैनल पर। तो नंबर ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट में। एंड विलेज हाउस प्लान नॉर्थ फेस से मेन एंट्रेंस एकदम दोनों सिट आउट के बीचों बीच एंट्रेंस दिया गया, मेन डोर रहेगा और इधर जो है ओपन, आप चाहे तो ओपन भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद एंटर होते हैं लिविंग एरिया में। तो लिविंग एरिया का साइज़ इस तरह से लगभग आपको मिल जाएगा सफिशेंट। यहाँ पर देखिए जगह ड्रॉ नहीं किया, इधर एक पूजा रूम यानी कि ईस्ट की तरफ जो है इसका पूजा रूम आ जाएगा। साउथ ईस्ट कॉर्नर पर किचन जिसका साइज़ है 7x10 फीट में, और यहाँ से आप एंटर हो गए डाइनिंग एरिया आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक बेडरूम लिया गया, तो 1 BHK का पोर्शन लिया गया, इधर थोड़ा सा ओपनिंग रखा है, वहाँ पर आप चाहे तो कुछ दूसरा वर्क भी कर सकते हैं इस तरह का। एंड गांव रहा तो उसमें आजू बाजू तो ऑलमोस्ट ओपन ही रहेगा, काफ़ी सफिशेंट जगह रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड भी नहीं रहता है। तो और आपको इसी तरह से अब बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा। तो देखिएगा इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लगभग करीब गांव में बनाया तो लगभग आपको आ जाएगा करीब 10 लाख रुपए, 8 से 10 लाख रुपए तक आ जाएगा। तो बहुत कुछ जो है निर्भर करता है आप किस तरह का क्वालिटी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं ना, उस पर टोटल डिपेंड करता है। और कॉलम, कॉलम देखिएगा यहाँ पर कॉलम जस्ट एक नॉमिनल नॉर्मल वे में मैं बता रहा हूँ, 1 कॉलम 2 3 ओके 4 और उसके बाद कॉलम इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कॉलम, फिर उसके बाद 7 8 9 आ गए, उसके बाद 10 11 12। तो इस तरह से आप कॉलम लीजिएगा, टोटल 12 नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे इसमें। एंड आप चाहे तो इस साइड में जो है सिर्फ दीवार पे भी सपोर्ट दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉलम रेज नहीं करना चाहते, दीवार पे सपोर्ट देना चाहते हो, दीवार पे दीजिएगा, बस सामने जो है डबल पन्ना वाला दीवार यूज़ कर लीजिए, उससे ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम तो बताया हूँ इस जो भी बताना था मुझे, शॉर्ट एंड स्वीट में। जस्ट आपका भी ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। एंड सपोर्ट करते रहेगा चैनल को, शेयर करते रहेगा वीडियोज़ को, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। मेन थिंग जो है आप शेयर कर दिए तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कुछ करना बोल के। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।